लज्जतों को काटने वाली यानी मौत को बहुत ज्यादा याद करो। जितना ज्यादा मौत को हम और आप याद करेंगे उतने ज्यादा हमारी ख्वाहिशें कम होंगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। सब कुछ धरा हुआ है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। लाई हयात आए कजा ले चली चले, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। हम और आप अपनी खुशी से नहीं आए और ना अपनी खुशी से जा रहे हैं, हर एक को जाना है तो वहां की तैयारी कर लीजिए। लोग क्या बोलते हैं, सबसे आखिर में मैं मरूंगा। हाँ नहीं नहीं, बूढ़े होने के बाद मरूंगा, अभी तो जवानी है। और दुनिया कमाने के लिए लोग कई मुल्कों का सफर कर रहे हैं, जान को जोखिम में डालते, समुद्री रास्ते से भी चले जाते, इधर उधर से भी घुस जाते दुनिया कमाने के लिए। मरने के बाद की जिंदगी कमाने के लिए 50 साल 60 साल के लिए इतनी मेहनत हो रही है, और जहां हमेशा रहना है वहां के लिए मेहनत। लोग क्या बोलते हैं, मौली साहब किस्मत का लिखा होगा तो हम सीधे हो जाएंगे। वाह भाई वाह, तो ये भी है ना, किस्मत का लिखा होगा तो हम मालदार हो जाएंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, किस्मत का लिखा होगा तो मालदार हो जाएंगे। 24 घंटा कम पड़ता, अरे भाई साहब नमाज के लिए आप क्यों नहीं आते। मौली साहब टाइम कहां है, टाइम बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं नमाज के लिए आऊंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए बिल्कुल नहीं। और जहां हमेशा रहना है, मरते ही बेटा साथ में जाएगा कब्र में कि मैं बाबा के साथ कब्र में जा रहा हूं। पूरी पूरी बिल्डिंग बना करके दिए हुए हैं, कोई बेटा अपने बाबा के साथ कब्र में जाता। आजकल लोग बेटे के लिए बना रहे हैं, बेटे को नहीं बना रहे। मरने के बाद की जिंदगी के लिए हर आदमी सोचे। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। إنا لله وإنا إليه راجعون